बड़ी कान में एक बहुत ही बढ़िया स्वीट सा म्यूजिक चल रहा है, तो टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू जर्नी, सुपरमार्केट सिमुलेटर, लेट्स गो। मुझे हमेशा से ही बिजनेस गेम्स बहुत ज्यादा पसंद है। बाकी सुपरमार्केट में क्या होता है वो तो मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सामान बेचो, सेल्फ पे रखो, प्राइस सेट करो और बेचो दमादम। नहीं भाई, मुझे बग्स नहीं चाहिए इतना ज़्यादा। तो ये रही हमारी छोटी सी, बहुत ही छोटी सी सुपरमार्केट, जिसका नामकरण अभी नहीं किए हैं मैंने। अभी कर सकते हैं क्या? तो ऑफकोर्स मेरे पास $50 है या करेंसी है, और $50 में मेरा बिजनेस स्टार्ट करना पड़ेगा। तो पहली, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास चॉकी पिक है, ब्रेड है, फ्लावर है, ऑयल है, पास्ता है, शुगर पाउडर है। ये मैं कार्ट कर लेता हूँ, ये चॉकी पिक, एक स्लाइस ब्रेड। भाई 47 तो यहाँ पर ही हो गए भाई, और क्या खरीदूं मैं। वैसे मेरा सामान आ चुकी है इधर, पहली सामान रखते थे ऊपर, पहले ऊपर भाई रखना चाहिए क्या चीज़। अच्छा ब्रेड है, ये मतलब एक सेकेंड, मैं थोड़ी सी ऑर्गेनाइज करने वाला हूँ भाई। मार्केटिंग स्ट्रेटजी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा भाई बक्सा फेंकने के बाद मैं अरेंज नहीं कर सकता, मुझे पता नहीं था भाई। मैं नीचे बिठाने की कोशिश कर रहा था लेकिन बक्सा फेंक दिया मैंने। नेक्स्ट आइटम हमारे पास चौकी पे, बगल में भी लगा देते हैं, बिंग बॉन्ग। खत्म भाई, सामान शुरू होते ही खत्म। देखो अभी ये ऐसा दिख रहा है, अभी मैं लाइट अगर ऑन कर दूं, वाह भाई क्या स्वीट सा दिख रहा है स्टोर रूम हमारा। ओके तो हमारे पास अभी $0 से कुछ भी नहीं है, तो हम कुछ भी खरीद नहीं सकते। बैंक का लोन ले सकते हैं वैसे, बट मैं अभी नहीं लेना चाहता। तो स्लाइस ब्रेड का मार्केट प्राइस है $3.9 और मैंने खरीदा है लगभग $1 में, तो मैं मार्केट प्राइस से अभी थोड़ा सा नीचे बेचने वाला हूं, ताकि मुझे ज़्यादा प्रॉफिट हो भाई, बिजनेस चल पड़े मेरा। तो मैं $3 लिख देता हूं। चलो ये तीन का बिकेगा और ये बिकेगा इसका। भाई इसका बहुत महंगा है भाई, $3 का मुझे पड़ा है चौकी भी। ये $6 में बिकेगा, तो इसको तो मैं 6 ही बेचने वाला हूँ। ये थोड़ा महंगा बिकेगा क्योंकि भाई चॉकलेट है, अच्छी चीज़ है तो महंगा बिकेगा। अभी मेरा, अरे दुकान ओपन कर दे भाई। हाँ पहला कस्टमर आ गया भाई, विक्ट्री। ये मुझे स्कैन करना है, ये भी स्कैन करना है, ये भी स्कैन करना है। मुझे 38 चेंज देना है, तो 20, 30, 1, 2, 3 कार्ड पेमेंट टोटल 6 हुआ है, तो 6 दे देते हैं। ये कितना हुआ है, $12। अगर मैं इसके जगह 13 ले लेता हूँ तो मेरे को फ्रॉड बोलेगा भाई, ऐसा नहीं करते, ऐसा नहीं करते भाई, बी ऑनेस्ट। बिजनेस बढ़िया चल रहा है, बट मेरा सुपरमार्केट का नाम चेंज करना है भाई। मुझे पहले 25 कस्टमर को सेल आउट करना पड़ेगा सामान, के बाद शायद से मैं भी मेरा दुकान का नाम चेंज कर सकता हूँ मैं। अबे अटक कैसे रहे हो तुम लोग, जगह इतना ज़्यादा है भाई, कोई और चीज़ ऑर्डर कर लेते। ये जो मिल्क नहीं है क्या इधर, मिल्क चाहिए था मुझे, मिल्क बहुत बिकता है भाई। शुगर पाउडर खरीद लेता हूँ और पास्ता, ये बहुत महंगा है पता नहीं क्यों। ऑयल तो और भी ज़्यादा महंगा है भाई, ये मैं अभी नहीं खरीद सकता। तो $28 हुआ है, तो परचेस कर लेते हैं। ओके। अबे तुम लोग बिलिंग करोगे कि नहीं, अबे हट जा यार, खत्म। चलो सही बात है, अभी इसका प्राइस भी सेट कर देता हूँ। अबे रुक जा भाई, प्राइस तो सेट करने दे भाई, ऐसे ही खरीद लेता है भाई। $3 ये चार पे भेजूंगा भाई मैं। अबे ये लोग सामान लेके चले जा रहे हैं क्या, बिलिंग तो नहीं हो रही भाई। चेकआउट क्लोज, प्लीज यूज नेक्स्ट लेन। ओए ये कैसे दब गया था भाई, मेरे को पता नहीं चला, इसीलिए बिलिंग नहीं हो पा रहा था। ठीक यार, मैंने नुकसान कर दिया भाई बहुत ज़्यादा। थैंक यू भैया, आपका हुआ है $1, ये लीजिए। आपका हुआ है कार्ड पेमेंट में करेंगे अब $9, ये लीजिए। थैंक यू, फिर से कार्ड कर दे, कार्ड आसानी होती है भाई, ये लीजिए। $33 हो चुकी है, मेरे पास सामान भी ख़त्म हो गया, सामान खरीदने से पहले ख़त्म हो जा रहा है भाई। ये लीजिए भाई साहब, आप भी कार्ड में करेंगे $9। ये मैडम आपको देना पड़ेगा, अगर मैं 6.99 की जगह 7 लिख दूँ तो चलेगा, 6.99। इस चेक भाई, सामान खत्म भाई। हो बहुत कमाई कर ली भाई मैंने, सॉरी भाई साहब सामान नहीं है ऐसे। ऐसे भाई जंगल में देखते हैं कहाँ शेर है क्या पक्षी है, ऐसे देखते हैं जंगल में, स्टोर में आके देख रहे हैं ऐसे कहाँ सामान है क्या नहीं है। गजब एनिमेशन है भाई, ये भी देखेंगे क्या। ओ नूडल्स, व्हाई इज माय नूडल्स, ओ या व्हाई इज माय चॉकलेट, आई कांट फाइंड। भागे इधर से,
क्लोज करते हैं दुकान, तो मैंने पहले दिन में ही $51 का प्रॉफिट कर लिया। वो बात अलग है कि कस्टमर ज़्यादा नहीं आए, बट ठीक है। तो देखने वाली चीज़ है, मेरे पास $101 है, तो मैं एक पास्ता करूँगा, एक ऑयल बहुत महंगी है भाई, एक पेटी करूँगा, और चौक भी है भाई बहुत ज़्यादा बिकता है, तो मैं दो कर लेता हूँ। पैसे की बहुत कमी है भाई, पैसे की बहुत कमी है। ठीक है, सामान आ गया है हमारा आज के आज, तो मैं और 30-40 तो कस्टमर को सामान भेज ही दूंगा भाई। ये क्या है, चौकी पी। सामान भर भर के लगाना पड़ेगा ताकि कस्टमर को लगे भाई दुकान में सामान है भाई। ये शायद से सुसु आइए आइए। अरे स्टोर तो इस तरफ है, आप किधर जा रहे हो? अच्छा शुगर, इसका नाम सुसु क्या क्यों है भाई, शुगर रहने देते। तो इसका मार्केट प्राइस है $6 और मेरे को पड़ी है ये $3, मार्केट प्राइस से थोड़ा सा कम में बेचते भाई, क्या जाता है अपन को। ठीक है, ये शुगर थोड़ी सी महंगा बेचूंगा क्योंकि शुगर हानिकारक है स्वास्थ्य के लिए, 5.5 का बेचने वाला हूँ, प्रॉपर बिजनेसमैन। इसमें शायद से ऑयल है, ऑयल को मैं नीचे रखने वाला हूँ। ये भाई ये बहुत बढ़िया चीज़ है, मस्त लगती है भाई सजाने में। वैसे ये मेरा स्टोरेज है, अभी ये लॉक्ड है, छोटा सा स्टोरेज, पता नहीं लॉक्ड क्यों है, शायद से मुझे अचीवमेंट कंप्लीट करना पड़ेगा फर्स्ट, प्राइस सेटअप करना पड़ेगा, नहीं तो भाई पहले ही कस्टमर आके सामान लेके भाग जाता है भाई, प्रॉफिट नहीं कर पाता। ये 3.7 का बिकेगा नॉर्मल प्राइस, तो इसको मैं रखूँगा 4। अभी दुकान को करते हैं अपना ओपन और बिजनेस चालू। लाइट किधर है भाई, लाइट बहुत स्वीट लगता है भाई। मैडम स्टोर उधर है, सीधा जाके दाई तरफ आ जाइए, मैं लेके चलता हूँ, आ जाइए इधर ही, इधर ये रहा ये रहा ये रहा स्टोर, इधर 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 भाई सबको समझ आ गया। ठीक है, आ जाओ लो, खरीद लो पहले खरीद लो। भाई साहब ने तो बहुत सारा सामान खरीदा है भाई, ये भाई साहब ने कैश दिया है तो इसको देना है हमें $1। हैव ए गुड नाइट, गुड डे सर। 55 भाई सामान मंगवा लेते हैं, भाई सामान ख़त्म हो जाता है बहुत तेज। $55 में क्या क्या आएगा भाई, ये चौकी भी खरीद लेते भाई, ये बहुत बिकता है, इसको खरीद लेते एक, मतलब एक ही हो पाएगा क्योंकि मेरे पास उतना पैसा नहीं है। एक सेकेंड रुक जाइए, चौक भी है तो सही बट ठीक है, खरीद लिया कोई बात नहीं। काउंटर इज ओपन भाई, सुसु खरीदा है भाई सर ने, सुसु। कार्ड पेमेंट टोटल हुआ है आपका $26। गुड डे सर, सुसु भी बिकता है भाई बहुत सारा। आपका हुआ है $16। हैव ए गुड डे सर, मैडम को कुछ नहीं देना है, बाय बाय। ये ओपन कब होगा, 25, अच्छा 22 हुआ है, अभी 3 करना है और। मैडम को हुआ है $12। ये इसका हुआ है 8.50 है तो 9 ही दे देते भाई, क्या जाता तुम्हारा। परचेस प्रोडक्ट लाइसेंस यूजिंग कंप्यूटर, ओके लाइसेंस भी खरीदना पड़ता है क्या हमें। अच्छा फर्नीचर सेल्स, ओ बहुत सारी चीज़ें भाई, पेंट्स भी है, फ्लोर भी है। लाइसेंस किधर मिलेगा, अच्छा इधर मिलेगा ना, मैनेजमेंट लाइसेंसेस। भाई मिनिमम 200 का लाइसेंस है भाई, मेरे पास अभी $96 है, मेरे पास पैसा भी नहीं है भाई। ओए सॉरी, आ जाओ। लाइसेंस भी नहीं खरीद सकता मैं, इतना गरीब हूँ भाई, पैसा कमाना है अभी बहुत ज़्यादा। चेंज कितना देना है, 84 पॉइंट दिख भी नहीं रहा मैं, पता नहीं यार, $2 का नुकसान कर दिया मेरे ख्याल से। इसको देना है $2। हैव ए गुड डे मैडम, इसको देना है 89, अभी 50 देना है सेंस। डिटेल आ गया है गेम में, $8 भाई। कार्ड पे पेमेंट करा करो ना भाई, बहुत इजी होता है। $1, $161, अभी मेरे को $200 चाहिए लाइसेंस कराने के लिए भाई, पता नहीं इतना महंगा क्यों है भाई। कार्ड पेमेंट 6.50, इसको देना है कुछ भी नहीं।
अच्छा शुगर खत्म हो गया ना उसके लिए, बोलो भाई कांट फाइंड शुगर, ठीक है तो नहीं है तो हम क्या करें भाई, क्या पैनजली पिज्ज़ा या क्या लिखा था भाई, अभी 200 तो हो गया है बट अभी मैं लाइसेंस नहीं करा सकता क्योंकि मेरे पास सामान भी नहीं है, अगर मैं लाइसेंस करवा लूँ तो भाई लग जाएगा मेरा सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं बचेगा। गाड़ी तो मस्त है भाई, मैं ना एक गलती कर रहा हूँ, ये जो डे है ना ये लिमिटेड टाइम तक रहता है, सामान को ना मैंने रात को मंगा लेनी चाहिए, उसके बाद रात को ना सब सेट करके सुबह एकदम से स्टोर ओपन करना चाहिए तभी कस्टमर रेट बढ़ेगा। सामान मंगाऊंगा उसके बाद इसको सेट करूंगा, प्राइस सेट करूंगा, भाई पूरा दिन बिक जाएगा। ओके मैं सामान मंगा लेता हूँ भाई, इसको लगा देते हैं, इसको भी लगा देते हैं, सब कुछ मंगा लेते हैं भाई, दो तीन करके मंगा देते हैं, ब्रेड भी बिकता है, फ्लावर भी बिकता है, शुगर भी बिकता है, शुगर तो बहुत ज़्यादा बिकता है भाई, इसका प्राइस मैं और भी बढ़ाने वाला हूँ, ये भी बिकता है, ये भी बिकता है, ऑयल ज़्यादा नहीं बिकता, पास्ता बहुत ज़्यादा बिकता है, चलो इतना खरीद लेते काफ़ी है। ओ कुछ ज़्यादा ही सामान मंगा लिया भाई, ये क्या है, ये क्या है, ब्रेड, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, दो तीन करके पेटी मैंने मंगा लिया है, तो ये क्या है, शुगर नहीं फ्लावर, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, फटाफट करना चाहिए भाई मुझे ताकि लेस कितना हो, एक दो तीन चार बहुत सामान मंगा लिया है भाई मैंने, चकाचक हो गया भाई अभी शोरूम मेरा, मतलब स्टोर मेरा, शोरूम की बोल रहा हूँ, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस, मैं क्या देते भाई ऐसे ही रख देते, बिक तो ऐसे ही जाएगा, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ हो गया, एक सेकंड रुक जाओ आप लोग, मैं अपना शोरूम शोरूम क्या स्टोर ओपन कर रहा हूँ, मैं ये गलती दूसरी बार नहीं करूँगा, मैं रात को ना सब सामान मंगा लूँगा उसके बाद प्राइस भी सेट कर दूँगा, उसके बाद शोरूम खोलूँगा भाई सुबह में एकदम, ब्रेड ब्रेड ज़्यादा ही मंगा लिया भाई, इस गेम में हम एम्प्लॉय भी रख सकते हैं, बाद में सब कुछ होगा भाई, पहले अपना बिजनेस तो सामान ले दो खुद का, उसके बाद एम्प्लॉय भी रखी जाएगी भाई, मैं ऑर्गेनाइज एकदम एवर्ट पार्ट हो गया भाई, ठीक है कोई बात नहीं, अभी मुझे पैसा कमाना है ना पहले, ऑर्गेनाइज तो बाद में भी कर सकता हूँ ना, पैसा कमाना है भाई, चलो भाई अभी बहुत ज़्यादा ग्राइंड करना है भाई गेम में, तो कुछ भी नहीं है, नीचे नहीं नीचे ऑयल ही रखने दे रहे, मेरा सेल्फ कम पड़ गया भाई, इतना सामान मंगा लिया मैंने, क्या कुछ तो भाई अभी सामान बिक जाएगा, दो मिनट रुक जाओ, नहीं चाहिए सामान बिक तो ज़्यादा है बहुत तेज, तो मैं प्राइस हाई करने वाला हूँ, अभी मार्केट प्राइस है 3 तो ये मैं रखने वाला हूँ 4.5, अभी फ्लावर का प्राइस मार्केट प्राइस 3.7 है, मैं 4 क्यों रखो भाई, 5 लगा दो, प्रॉफिट भाई प्रॉफिट ही प्रॉफिट, ये कर दो 5.5, चौक भी कुछ ज़्यादा नहीं बिक रहा, अबे मार्केट प्राइस हाई हो गया भाई, 6.5 रख दो, ऑयल का रख देते हैं मार्केट प्राइस 4.56 रखने के, मे बी ऑल गुड, स्टोर को करते ओपन, लेट्स गो, सामान का प्राइस सेट करते करते 8 बज गए भाई, दिन तो ख़त्म ही हो गया भाई, रात में सब कुछ करना पड़ेगा, कस्टमर किधर है, कस्टमर नहीं है भाई, अभी मैंने स्टोर का नाम भी नहीं रख पाया भाई, $11 हैव अ नाइस डे मैडम, गुड मॉर्निंग सर, आप भी कार्ड, ये बढ़िया चीज़ हो जाती है भाई जब कार्ड में पेमेंट होता है, ये $3 एक दो तीन भाई, मैं गलती ये कर रहा हूँ भाई, दिन में ना सामान सेटअप करने में टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, वो नहीं करना मुझे, $11 लेट्स गो, हैव अ नाइस डे सर, थोड़ा एक्सप्लोर करके आता हूँ भाई, गाड़ियाँ तो बहुत बढ़िया बढ़िया है भाई, ओ फरारी चलती है भाई शहर में, ओ ओ क्या सीन है, भाई मैं खो ना जाऊँ भाई, मेरा स्टोर मिल तो जाएगा ना मुझे, शहर तो बड़ा है भाई, बहुत बड़ा है शहर, ओए ओए स्टोर नहीं मिल रहा भाई, ओए स्टोर नहीं मिल रहा, अच्छा ये रहा,
चल गया था मैं तो। आ जाओ भाई, बहुत कस्टमर आ गई है इधर तो। गुड मॉर्निंग सर, आपका हुआ है। गुड मॉर्निंग मैडम, आप कुछ नहीं देना, ठीक है, हैव अ नाइस डे। कार्ड पेमेंट 6.50, इसका हुआ है $11। भाई ज़्यादा सामान लो ना, आप क्या कर रहे हो, इतना कम सामान क्यों ले रहे हो आप लोग। 34, 34, 20, 1, 2, 3, 4, bye, कैश। मैडम जी मतलब 14, 1, 2, 3, 4, bye। ओके ये ऑयल है, 1, 2, 3, ये ऑयल ख़त्म ही नहीं हो रही भाई। ठीक है, मेरे पास $191 तो आ चुकी है, अभी थोड़ा सा और ख़रीदारी करना पड़ेगा, उसके बाद मैं लाइसेंस ख़रीद सकता हूँ, और पता नहीं लाइसेंस ख़रीदने के बाद मे भी मैं अपना स्टोर का नाम चेंज कर सकता हूँ भाई। सुपर मार्केट होर्डिंग पे सुपर मार्केट लिखा है भाई, बहुत मुझे अपना नाम लिखना है भाई। भाई लाइट नहीं जलाया मैंने, सॉरी, रिव्यू अच्छा नहीं मिलेगा भाई, ध्यान रखना पड़ेगा। ओके $5.50, सामान तो है वैसे मेरे पास बहुत सारा, ले मैं चाहूँ तो लाइसेंस खरीद सकता हूँ, खरीद लेते भाई। अच्छा, वाटर का लाइसेंस मिलेगा, चीज़ का लाइसेंस मिलेगा, कॉफ़ी का लाइसेंस मिलेगा, अंडा का लाइसेंस मिलेगा, दूध का लाइसेंस मिलेगा, और चाय ब्लैक टी का लाइसेंस मिलेगा 200 में। खरीद लिया लाइसेंस, बढ़िया चीज़ हो गई भाई। सुसु मैडम को सुसु चाहिए क्या? अच्छा चिकी पी चॉकलेट ख़त्म हो गई है, ठीक है मंगा लेता हूँ अभी भाई, बहुत काम है भाई बिजनेस में, बहुत बहुत कुछ करना होता है। $1, $6, ब्रेड। मैडम रात में ब्रेड खाओगी आप? ओके अभी रात हो गया है, अभी मैं अपना सामान जो भी खरीदना है, जो भी सेट करना है, सब कुछ अभी करना है, क्योंकि सुबह मुझे टाइम वेस्ट नहीं करना। मेरे पास अभी $69 है, तो इसमें ही जो करना है वो करना है। मार्केट प्रोडक्ट्स, हाँ मेरे पास बहुत सारी चीज़ें आ गई है भाई। ब्लैक टी भाई $55 का भाई, बहुत महंगा महंगा चीज़ें है। सिर्फ वाटर बॉटल और मिल्क है जो थोड़ी सी सस्ती है भाई, चीज़ भी $16 का है। महंगाई बहुत ज़्यादा है भाई, आई कांट परचेस भाई। क्लोज करने के बाद कुछ खरीद भी नहीं सकता भाई यार, ये तो गलत चीज़ हो गई भाई। मुझे सुबह ही खरीदना पड़ेगा, मतलब खरीद के सब कुछ सेट करना पड़ेगा, या मुझे क्लोज करके फिर करना पड़ेगा एक बार देखते। अच्छा नहीं नहीं नहीं, मुझे सुबह ही करना पड़ेगा यार, ऐसे क्यों होता है भाई। तो आज का मेरा कस्टमर रेट भाई बहुत कम है, 12 कस्टमर है, पता नहीं क्यों इतना कम हो, कैसे हो गया। सो वेलकम टू द नेक्स्ट डे। तो अभी ना मेरे को एक फ्रिज या शेल्फ खरीदना पड़ेगा, वैसे फ्रिज तो बहुत महंगा होगा भाई, सवाल ही नहीं उठता भाई। मैं एक शेल्फ खरीदने वाला हूँ, वैसे शेल्फ 200 का बिकता था भाई, मेरे पास उतना पैसा भी तो नहीं है, कैसे खरीदूँगा। यहाँ पर मैं अपना सुपर मार्केट एक्सपेंड कर सकता हूँ, हायरिंग भी कर सकता हूँ भाई, बहुत कुछ कर सकता हूँ गेम में। मेरे पास ना ये मिल्क खरीदना पड़ेगा, क्योंकि मिल्क बहुत महंगा है। अंडा नहीं है, अंडा खरीद लेते हैं। ओ अच्छा, जो मैंने कल रात को ऐड टू कार्ट करा था ना, वो तो परचेस नहीं हुआ, वो वाला ये सीन है, तो परचेस कर लेते हैं अभी। अभी बहुत सारा सामान मेरे पास आ तो चुकी है, लेकिन मैं रखूँ किधर भाई, शेल्फ की नहीं है, जगह ही नहीं मेरे पास। ठीक है आ जाओ, इसको कुछ नहीं देना। हेलो सर, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप? कार्ड पेमेंट $5। ओके हैव अ नाइस डे सर। मुझे सामान ला के यहाँ पर रखना भी है, तो ये अंडा है ना, अंडे को इधर रख देता हूँ। दिस प्रोडक्ट नीड्स टू बी प्ले
अबे गधे यार भाई, अंडा रखने के लिए हमें फ्रिज चाहिए होता है, लेकिन फ्रिज तो नहीं है भाई मेरे पास, और फ्रिज में खरीद भी नहीं सकता, मेरे पास उतना पैसा भी नहीं है भाई, क्या करूँ अभी, अंडे का अंडे तो खराब हो जाएगा भाई, अंडा ये तो स्कैम हो गया भाई मेरे साथ, क्या करूँ मैं, लोन तो लेना ही पड़ेगा अब लगता है। वाटर रखने के लिए भी फ्रिज चाहिए, लेकिन वैसे पानी तो खराब नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, बट अंडा खराब हो जाएगा भाई। ये मिलके ये भी रखने के लिए फ्रिज चाहिए होता है, हाँ ये तो भाई, ये भी खराब हो सकता है भाई, भाई बुरा फंस गए भाई, रेफ्रिजरेटर भाई बहुत महंगी है, कैसे खरीदूँ मैं, लोन लेना पड़ेगा भाई अब तो। मैडम का हुआ है भाई, भाई मेरा तो टेंशन हो रही है अभी, सामान खराब ना हो जाए भाई, नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। क्या करे क्या करे भाई, लोन लेना ही पड़ेगा भाई, मैं नहीं चाहता था कि लोन लेके मैं बिजनेस चलाऊँ, मैं अपना खुद की दम पर बिजनेस खड़ा करने की कोशिश करने वाला था, लेकिन भाई छोटा सा गलती हो गया भाई, सामान खराब हो जाएगा नहीं तो नुकसान हो जाएगा बहुत बड़ा। $74 $0.50 मैडम का हुआ है सिक्स, हैव अ नाइस डे मैडम। अरे दो दो मैडम एक ही जस्ट जुड़वा बहन है क्या, एक बार देखने दो भाई रेफ्रिजरेटर कितने का आता है, मार्केट फर्नीचर रेफ्रिजरेटर फ्रिज सिंगल फ्रिज डबल 200 का आता है भाई, उतना ज़्यादा महंगा नहीं है, 200 मैंने सोचा भाई 1000 का 1500 का आएगा, लेकिन नहीं 200 में आएगा, और ये डबल वाला 375, मैं 200 वाला ही खरीद लूँगा भाई। अच्छा फ्रिज मिनी भी आता है, लेकिन इसमें मेरा सभी सामान ना फिट नहीं होगा, मुझे एक नॉर्मल स्टैंडर्ड वाला फ्रिज खरीद लेना चाहिए। कस्टमर आ रहा है भाई, सामान भी दिख रहा है, हो जाएगा कोई दिक्कत नहीं। 5 1 2 3 4 सर हैव अ नाइस डे, फाइन फॉर मिल्क, अरे कैसे मिलेगा मिल्क, 5 50 $28 200 हो गया भाई, जल्दी से फटाफट फ्रिज खरीदो भाई रात हो जाने से पहले। ये कहाँ भाई ये वाला फ्रिज ना, एड टू कार्ट भाई, लगा दो फ्रिज, जाए मेरा $200 कोई बात नहीं, बट फ्रिज आ गया मेरा, हो थैंक गॉड यार। रुको जरा भाई साहब, एक सेकंड रुक जाओ, फ्रिज लगा दूँ पहले, फ्रिज को लगा देते हैं, फिट आएगा क्या, हाँ बढ़िया। वही लाइट जलाना भूल गया भाई, सॉरी भाई, फ्रिज आ गया हमारा, लेट्स गो, अभी मैं अंडा पानी मिल्क सब कुछ बेच सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। 14 भाई सबको कुछ भी नहीं, इनसफिशियंट चेंज, अच्छा 50 सेंट थे ना भाई, इतना छोटा कैसे दिखूँ मैं, देख ही नहीं पा रहा, होता है कभी कभी। 4.50 ये बिजनेस अच्छा चल रही है भाई, ये लीजिए 85 मैडम जी, आपने बहुत कुछ खरीदा है, आपको मिलेगा 19 1 1 2 3 4 बाय। भाई मज़ा तो आ रहा है भाई, बहुत मज़ेदार, मैं तो खेलूँगा ये, 1 2 3 4 ज़्यादा दे दिया था, अच्छा 50 cents अभी फ्रीजर में लगाने भाई, भाई सब कुछ लगाना है फ्रीजर में, बॉटल लगा दो एक दर से भाई, सब कुछ धरा 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 भाई, ये फ्रिज भी छोटी पड़ रही है भाई, रुक जाओ भाई साहब बहुत काम है इधर, सांस लेने की भी फुर्सत नहीं भाई। बॉटल नहीं, बॉटल अभी नहीं रखना, अभी अंडा रखना है, अंडा खराब हो जाएगा नहीं तो। फ्रिज चालू है कि नहीं भाई, मेरे को डाउट है, फ्रिज चालू है ना भाई, इलेक्ट्रिसिटी लग तो नहीं रहा, फ्रिज चालू है, प्लेस इंटर टू फिनिश, अच्छा नहीं अभी क्या था, मिल्क मिल्क है, ये रहा मिल्क,
सब तो फिट नहीं होएगा, ये फ्रिज भी छोटा पड़ रहा है भाई मेरे लिए। प्रोडक्ट का प्राइस बहुत हाई है क्या? प्रोडक्ट फाउंड एक्सपेंसिव भाई, थोड़ा सा प्राइस कम करना पड़ेगा। तो आप फिर से प्राइसिंग करते हैं, ठीक है। ये ना मैं रखने वाला हूँ 4 का, ये सुसु मैं रखने वाला हूँ सिर्फ 5 का। सही है, ऑयल का प्राइस कुछ ज़्यादा ही भरा था, ये मैं रखने वाला हूँ ना 5.5 का। सही है, ये ब्रेड का प्राइस ये ठीक ही है भाई। फ्लावर का प्राइस ये बहुत ज़्यादा है, इसको रख देते हैं 4.5 में। ओए मिल्क का प्राइस तो मैंने सेट ही नहीं किया भाई, पानी का। अरे पानी सस्ता बेचूंगा मैं, ये मैं बेचूंगा 3 पे। अंडा अंडा थोड़ी सी महंगा निकलेगा 4.5 में, ठीक है ना। और नीचे जो है मिल्क बिकेगा 3.2 में, ठीक है ना, ये सब बराबर है ना। चलो अब ये भाई साहब तो भाई प्राइस लगाने के पहले ही उठा लाए अपना मिल्क, तो इसमें शायद मैं प्रॉफिट नहीं कमाऊंगा ज़्यादा, नहीं यही दिक्कत है भाई। 6.98 भाई साहब भाई दुकान है भाई, जल्दी जल्दी मुझे एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, इधर से घटने का फुर्सत नहीं मिलता भाई, इतना ज़्यादा कस्टमर आ जाता है कभी कभी। वैसे मैंने प्राइस अभी घटा दिया है तो कस्टमर का कॉलिंग ज़्यादा पड़ेगा और मेरा कमाई भी ज़्यादा होगी। Purchase a new section using your computer to expand your store. अभी मुझे स्टोर भी एक्सपेंड करेगा, लेकिन मैं ऊपर का नाम क्यों नहीं चेंज कर पा रहा भाई। 93 1 2 3 60 92 नाइस डे सर 18 कार्ड पेमेंट, ठीक है भैया अभी कर देते हैं। ऐसे कस्टमर तो भैया कौन बोलते हैं। $4 $11 अभी मुझे देखना है कि मैं नाम कहाँ से चेंज कर सकता हूँ और ये जो नया सेक्शन वाला सीन है ना ये कहाँ से मैं कर सकता हूँ, देखना पड़ेगा। मैनेजमेंट लाइसेंस, ओ भाई बिल ड्यू है मेरा बहुत ज़्यादा, ये पे कर देता हूँ भाई। बिल ड्यू नहीं रखना भाई, बिल पे कर देते बाद में झंझट हो जाएगी। कस्टमाइजेशन अपग्रेड योर स्टोर टू अनलॉक कस्टमाइजेशन। अच्छा कस्टमाइजेशन पे ही मैं शायद से मेरा नाम चेंज कर सकता हूँ स्टोर का, लेकिन उसके लिए और भी अपग्रेडेशन की ज़रूरत होगी। स्टोरेज इज लॉक्ड परचेस भाई, $800 में बिकेगा न्यू स्टोरेज अभी लॉक्ड है। अच्छा रिक्वायर्ड स्टोर लेवल 10, तभी मैं किसी को हायर कर सकता हूँ अपने स्टोर में। अभी तो इस वीडियो में मैं लेवल 5 तक ही कर पाया। 4.5 डॉलर $3 4.5 चलो भाई बिजनेस तो बहुत अच्छी चल रही है भाई, कमाई भी हो रही है बहुत बढ़िया। वैसे नाम मेरा कैसे चेंज करूँ मुझे समझ नहीं आ रहा, तुम लोग अगर पता है तो कमेंट करके बताओ मुझे, ठीक है। तो डे तो एंड होने ही वाला है, इस मैडम को पहले छोड़ लेते। आ जाओ मैडम। अबे लाइट कैसे भूल जाता हूँ मैं ऑन करना। $1 Could not find crafting flower. Flower ख़त्म है क्या? क्या दोबारा मंगा लेंगे। चलो भाई कॉफ़ी डार्क रोस्ट वो भी नहीं है भाई, बहुत सामान मेरे दुकान में नहीं है, मंगाना पड़ेगा, अगले दिन मंगा लेंगे भाई, ठीक है। अभी बहुत कुछ करना तो बाकी, अभी मेरे पास $250 है मेरे पास बिजनेस करने के बाद, लगभग 3 या 4 दिन बिजनेस करने के बाद। चलो मैडम गुड नाइट,
आप शायद से हमारा आज का लास्ट कस्टमर थी। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोग्रेस करेंगे, अभी मेरा लेवल 5 हुआ है। और कमेंट करके ज़रूर बताओ भाई इसका सुपरमार्केट का नाम कैसे चेंज करूँ मैं, बहुत बेकार लग रही है भाई। और टिप्स दे दो मुझे कमेंट में कि कैसे मैं अपने स्टोर को अभी और भी अपग्रेड और भी सुंदर और भी कस्टमाइजेशन कर सकूँ। बस कमेंट करो भाई नाम कैसे चेंज करूँ मैं, समझ में नहीं आ रहा मुझे। सी यू ऑन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।